जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 का लॉलीपॉप दिखा के कैसे उनको ठगा या कैसे उनको मूर्ख बनाया। जैसा कि आप जानते होंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक जगह आए, बीजेपी छोड़ के नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुछ प्रलोभन देके, और उस प्रलोभन में तेजस्वी यादव नीतीश जी के बातों में आ गए, और उस बात में आए वहाँ पे जो है उन्होंने कुछ एग्रीमेंट बनाया, और जो एग्रीमेंट बनाया होगा उससे एग्रीमेंट के अंतर्गत बातें चलने लगी थी जब से गठबंधन बनी तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार जो है बहुत जल्द मीन्स आप कह सकते हैं कि 2023 के मार्च तक में वो सत्ता का स्थानांतरण जो है वो तेजस्वी यादव को कर देंगे। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार ने एक ऐसा लॉलीपॉप तेजस्वी यादव को दिखा दिया है 2025 का, और ये लॉलीपॉप दिखा के तेजस्वी यादव का जो कुछ सपना जो होगा कि 2023 में या 2024 में हम जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार का, अब ये लॉलीपॉप के साथ उनका जो है शायद सपना भी अधूरा रह सकता है। इसी को इस वीडियो में हम लोग डिटेल से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या लॉलीपॉप उन्होंने दिखाया और क्यों लॉलीपॉप दिखा कर नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव को ठगने का प्लानिंग है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें मेरे चैनल को। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक बहुत बड़ा जो है एग्रीमेंट हुआ था या हुआ होगा अगस्त 2022 में, जिसके एग्रीमेंट के बेसिस पे जब सीएम बने नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव, तो ये हवा में उड़ने लगी बातें, और आरजेडी की तरफ से बातें भी चलने लगी कि जो है अब तेजस्वी यादव को बहुत जल्दी जो है सीएम का पद नीतीश कुमार जो है ट्रांसफर करेंगे, और ये भी बातें हवा में उड़ने लगी कि जेडीयू का और आरजेडी का मर्ज बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन ऐसी सब जो बातें हुआ करती थी और होती आ रही थी, 2 दिन पहले जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब सभा की थी उसके बाद जो है कुछ ऐसी प्लानिंग हुए होंगे, और इस प्लानिंग के अंतर्गत एक जगह वो जब नालंदा में गए थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, वहां भी कुछ समीकरण उनको दिखा होगा। तो जब मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी, बैठक के बाहर जो है ये बातें हुई, मीन्स बैठक के बाद जब बाहर आए नेता, तो बैठक हुई तो नीतीश कुमार जो है बताए कि गठबंधन का जो सीएम का जो नेता होंगे वो 2025 में तेजस्वी यादव होगा। अब दूसरे सेंस में कहने का अर्थ हुआ, नीतीश कुमार ये कहे कि 2025 में जो विधानसभा का इलेक्शन होगा वो तेजस्वी यादव के अगुवाई में लड़ा जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने अभी क्लियर कर दिए कि 2025 विधानसभा के इलेक्शन के पहले वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद ट्रांसफर नहीं करने जा रहे। इसका जो है बहुत कागज ये भी है कि
नीतीश कुमार को अब दिल्ली जाने का जो सपना था वो अंधेरा दिखने लगा वहां पे। और ये सोचते हैं कि 2024 में अगर मेरा जो है दिल्ली जाने का सपना अधूरा रह जाएगा या हमको कोई भी साथी नहीं मिलेगा, अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं इसके पहले तेजस्वी यादव को, तो हम बेरोजगार हो जाएंगे और पॉलिटिकली रूप से उनका कोई पूछ नहीं होगा, क्योंकि वो बिहार में जनाधार खो चुके हैं। और पिछले इलेक्शन में भी आप देखा होगा, विधानसभा के इलेक्शन में वो संन्यास लेने की बात कर रहे थे कि हम इस बार लास्ट है मेरा, हम संन्यास ले लेंगे। तो इस बेसिस पे भी उनका जो है ये सहानुभूति वोट उनको नहीं मिली और मात्र 43 सीट मिली। तो यहाँ पे अब 2025 का जो दिखाया है नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव अब कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि अभी लंबा समय है, 2025 जो है मुझे एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने के लिए। और ये भी है कि 2025 में मुख्यमंत्री पद का जब दावेदार होंगे गठबंधन की तरफ से, तो गठबंधन अभी तक ये सहमति नहीं जताई है कि नीतीश जो है तेजस्वी यादव ही गठबंधन का जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो, क्योंकि नीतीश कुमार जो इस चीज बात पे बोले तो गठबंधन में ही विरोधाभास होने लगा और गठबंधन के कई नेता जो कह दिए कि नीतीश कुमार इस चीज पर अकेले कैसे फैसला ले सकते हैं। तो यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का 2025 का जो भी है बहुत टसल होने जा रहा है मुख्यमंत्री पद का दावेदार के लिए। अब विधानसभा जो है 2025 तक अभी करंट में जो है वो चलेगी, तो नीतीश कुमार से इस बेनिफिट के लिए तेजस्वी यादव फिराक में थे कि इनको दिल्ली का रास्ता दिखा दें और हम जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि हम जो है आपसे जो गठबंधन किया था, आपको जो सहानुभूति दिया था कि हम ट्रांसफर करेंगे, अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। आपको सीएम पद के दावेदारी के लिए 2025 का फ्रेश इलेक्शन फेस करना पड़ेगा, तब तक जो है हम ही सीएम रहेंगे। ये इनडायरेक्टली नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मैसेज दे दिया। अब तेजस्वी यादव के पास कोई चारा नहीं बनता है कि हाँ में हाँ मलाने का नीतीश कुमार का, या फिर दूसरा स्टेप यही ले सकते हैं कि वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करना बंद करें। लेकिन सपोर्ट करना नीतीश कुमार को वो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी सत्ता चाहिए और ये सत्ता में जो आए थे सीएम बनने के लिए और सीएम बनने का जो प्रलोभन नीतीश कुमार ने दिया होगा उसके लिए, वो जो है इनको अगर नहीं मिल रहा है तो ये फिर भी सत्ता में डिप्टी सीएम बनते रहेंगे, क्योंकि ये सत्ता भोगी आदमी। जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं तो देखते हुए किस तरह का इनका जो है एटीट्यूड रहता है, और सत्ता में जब रहते हैं तो किस तरह का एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अब है कि तेजस्वी यादव को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो है नीतीश कुमार का जो लॉलीपॉप है उसको वो 2025 तक चूसते रहे, या फिर अपना कोई डिसीजन ले अपने बल पे कुछ करने के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा जो सात इधर छह पार्टी जो बटे बचेगी गठबंधन में, इनका स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ के बल पे अगर नीतीश कुमार से अलग होते हैं तेजस्वी यादव, तो जोर तोंगोर करके ये जो है मुख्यमंत्री के पद के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ ये 2025 तक रह गए तो ये श्योर है नीतीश कुमार जिससे भी दोस्ती की है उसको जरूर इन्होंने ठगा है। अब शुरू से हिस्ट्री अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार जिससे भी दोस्ती की या नजदीकी दिखाई है आप तो देखेंगे उनको ठगा है। आरसीपी सिंह का उदाहरण लगी है कि आरसीपी सिंह इसके बहुत नजदीकी थी लेकिन उनको
एक आरोप लगा के कि बीजेपी के साथ रह के जेडीयू को कमजोर कर रहे हैं, पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने उनको पार्टी से हटा दिया। लेकिन अब खंडन किया है कि वो आरसीपी सिंह के काउज नहीं, पार्टी के या बीजेपी को उन्होंने नहीं छोड़ा, जबकि ललन सिंह और मिस्टर चौधरी एक है उसके कहने पर ये बीजेपी को छोड़े, लेकिन जिसमें छोड़े थे वो आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया। और फिर आप दूसरा देखेंगे तो दोस्ती उपेंद्र कुशवाहा जी के पास भी इनका बहुत अच्छा था, और लव कुश का समीकरण लेके जो है उनको मर्ज कराया जेडीयू में, लेकिन अब उनका डिमोशन होते आ रहा है, और इस डिमोशन से उपेंद्र कुशवाहा बहुत नाखुश हैं। और यहाँ की मर्जिंग की जो बात हो रही थी जेडीयू और आरजेडी में, उसको लेके भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। और ऐसे कई नेता हैं जो आप अगर देखेंगे कि नीतीश कुमार ने जिस व्यक्ति को पसंद किया है वो व्यक्ति को जरूर ठगा। तो इस तरह से जो है तेजस्वी यादव को शुरू में अपनी सत्ता बजाने के लिए नीतीश कुमार जी ने पसंद किए, लेकिन अब ठगने की रास्ते पे वो चल पड़े, और 2025 का उनको लॉलीपॉप दिखा दिया है। और अब तेजस्वी यादव पर डिपेंड करता है वो लॉलीपॉप जो है चूसते रहे 2025 तक, प्रेस इलेक्शन जो विधानसभा का उस समय तक, या फिर अपना कोई कठोर डिसीजन ले कि वो नीतीश कुमार के बातों पर चलते हैं, या फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग जो उनकी जो है बड़ी पार्टी है बिहार में उसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग नेता बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सत्य है कि नीतीश कुमार का जनाधार हो चुका है बिहार में। अब जेडीयू अगर जेडीयू के साथ रहते हुए अगर आरजेडी के बीच में ये लोग रहते हैं तो नीतीश कुमार बेसिकली जो है आरजेडी को डैमेज करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुढ़नी के इलेक्शन में पिछले विधानसभा में मात्र जो है 700 के आसपास आरजेडी के कैंडिडेट हारे थे, लेकिन इस बार जो है आरजेडी भी बहुत जो है मेहनत की और जेडीयू भी बहुत मेहनत की वहां पे, लेकिन मोर देन 3,600 के आस से जो है कैंडिडेट हार गए। और गोपालगंज सीट भी जो है आरजेडी हार गई, हालांकि उनको जीतना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार का वर्चस्व था होना चाहिए मुख्यमंत्री होने के नाते, और जेडीयू की फुल सपोर्ट थी, लेकिन जो है आरजेडी वहां से भी हार गई। अब मोकामा सीट पे आरजेडी जीती, लेकिन इसमें पार्टी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखा है कहा जा सकता है, क्योंकि मोकामा सीट अनंत सिंह के नाम पे जीता गया है, और अनंत सिंह आप जान सकते हैं किस तरह के व्यक्ति हैं, ये कोई छुपी हुई नहीं है। तो फाइनली यही कहेंगे इस वीडियो से कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 का लॉलीपॉप दिखा के एक ठगने के रास्ते पर चल चुके हैं। अब नीतीश कुमार के इस लॉलीपॉप से जो है तेजस्वी यादव उनके जो प्लानिंग है ठगने का प्लानिंग उसमें आएंगे या नहीं आएंगे, या कब तक फंसे रहते हैं इस प्लानिंग में तेजस्वी यादव, अब तेजस्वी यादव पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू, भारत माता की जय।